दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। हम आपको जानकारी देंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने का क्या सही तरीका होता है और इंट्राडे में किस तरह से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे में काम करते हैं और अधिकतर लोग इंट्राडे में लॉस करते हैं, क्योंकि जब भी हम इंट्राडे में काम करते हैं हमें लगता है कि एक दिन में हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पर दोस्तों ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि इंट्राडे में जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए या कौन सी चीजें करनी चाहिए, हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों जब हम कोई भी सौदा इंट्राडे में यानी कि सेम डे खरीद कर सेम डे में ही बेच देते हैं और कुछ भी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड यानी कि अगले दिन के लिए लेके नहीं जाते हैं तो हम इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। हमने देखा है कि अधिकतर लोग इस मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं और 3:30 बजे के बाद वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर ट्रेड लॉस में कटने की वजह से लॉस बुक करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो अपनी पोजीशंस को नेक्स्ट डे के लिए कन्वर्ट करके इस मार्केट से ले जाते हैं, जिससे कि उनका इस मार्केट से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट अगले दिन खुलती है तो वो और गिरावट के साथ खुलती है, जिससे कि उनके जो प्राइजेस हैं वो बहुत नीचे आ जाते हैं और वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं इस मार्केट में लॉस बुक करने की, जिससे उनका लॉस और अधिक हो जाता है और वो इंट्राडे से दूरियां बनाने लगते हैं। तो दोस्तों क्या इंट्राडे में हम कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं या कुछ ऐसी टेक्निक अपनाकर हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से इंट्राडे के लिए जब हम काम करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखकर हम इस मार्केट से फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हैं, हमें सबसे पहले यह भी समझना जरूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि जो लोग मार्केट को पूरी तरह से मॉनिटर नहीं कर सकते हैं या पूरी तरह से टेक्निकल या फंडामेंटल का ज्ञान जिन लोगों को नहीं होता है और केवल दूसरों की एडवाइस को लेकर कई लोग जो इंट्राडे में काम करते हैं उनको इंट्राडे में काम नहीं करना चाहिए। और अक्सर हमने देखा है कि इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं वो पूरी तरह से डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। डिसिप्लिन को फॉलो करने से मतलब है मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस को लेना या एक्सेस में पोजीशंस को ना कैरी कर लेना, जिससे कि इन तीनों ही हालातों में हम देखते हैं कि ज्यादा सिनेरियो में ट्रेडर को लॉस ही होता है। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग उन सभी लोगों को करनी चाहिए जो लोग मार्केट को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल की अच्छी समझ रखते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं अपनी ट्रेडिंग के दौरान। डिसिप्लिन से दोस्तों फिर से हमारा मतलब है स्टॉप लॉस को फॉलो करना, लिवरेज के साथ काम नहीं करना यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग ना करना और अपनी पोजीशंस को इंट्राडे में ही सेटल करके जाना। ये सभी चीजें अगर हम कर सकते हैं तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों आइए समझते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस तरह से अपनी ट्रेडिंग को और बेहतरीन कर सकते हैं हमारे दिए हुए टिप्स के द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि दुनिया में ग्लोबल मार्केट का आज के दिन में ट्रेंड क्या है। जैसे कि मान लेते हैं अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट और फिर हम इंडियन मार्केट को लेते हैं, यानी कि हम सबसे पहले यह देखेंगे कि दुनिया में जो मार्केट्स हैं उनका जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। जैसे मान लेते हैं कि डाउ जोन्स अगर रात को पॉजिटिव बंद होता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि एशियन मार्केट भी जो पॉजिटिव क्लू लेगा अमेरिकन मार्केट से वो भी पॉजिटिव साइड पे ही लेगा, यानी कि एशियन मार्केट के चांसेस हैं पॉजिटिव ओपन होने के और एशियन मार्केट से जब हमारा इंडियन मार्केट क्लू लेगा तो वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेगा। यानी कि जो हमें प्लेटफॉर्म इंट्राडे के लिए क्रिएट करना है वो हमें मिलता है ग्लोबल मार्केट को वॉच करके,
जिस तरफ ग्लोबल मार्केट के संकेत होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, हमें भी अपनी ट्रेडिंग के लिए जो रणनीति बनानी है वो उसी हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो हमारे जो ट्रेड हैं वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हमने देखा है कई बार हम ट्रेडिंग करते वक्त इस चीज को ध्यान में नहीं लेते हैं। अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है तो हम कई बार सेल करने की गलती कर देते हैं, और अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है तो हम कई बार बाय करके फंस जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ अगली बार ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम ग्लोबल ट्रेंड को देखकर ही उस दिन की रणनीति बनाएं जिस दिन हम काम कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेंड को देखने के बाद दोस्तों हमें देखना चाहिए कि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं उस सेक्टर का ट्रेंड क्या है, क्योंकि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसका भी अगर पॉजिटिव ट्रेंड है और उस सेक्टर के किसी शेयर्स को हमने सेल कर दिया तो हमारा जो लॉस है वो होना तकरीबन तय है। क्योंकि हमने देखा है कि जब एक सेक्टर बुलिश होता है तो ज्यादातर उस सेक्टर के शेयर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते हैं, और वहां पे वो जो सेंटीमेंट क्रिएट होता है उन कंपनीज के लिए वो भी पॉजिटिव साइड पे होता है। तो ये मेक श्योर करें ट्रेडिंग करने से पहले कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उस सेक्टर के शेयर्स को अच्छे से देख लें और उस सेक्टर के इंडाइसेस को भी अच्छे से देख लें कि दोनों सेम डायरेक्शन में है भी या नहीं। अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपकी ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा और आपके जो ट्रेड हैं मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल होंगे। अब हमें ये दोनों चीजें समझने के बाद ये सिलेक्शन करना चाहिए कि हमें किस शेयर में अपनी बाय या सेल पोजीशन आज के दिन लेनी है। वो जानने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम उस शेयर जिसमें पोजीशन बनाने वाले हैं उसके चार्ट पे अगर हम नजर डालेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि चार्ट पे शेयर का ट्रेंड किस तरह से है। जैसे मान लेते हैं अगर शेयर का ट्रेंड बुलिश है तो हमें बाय करना चाहिए और बेयरिश है तो सेल करना चाहिए। बट दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको चार्ट में देखनी पड़ती हैं। बट आपके लिए क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप थोड़ा सा चार्ट देखकर ज्यादा रिजल्ट निकाल पाए? तो हम आपको बताते हैं कि जब आप चार्ट देखते हैं तो मंथली, वीकली और डेली चार्ट में देखिए कि जो आपके शेयर का ट्रेंड है वो सेम डायरेक्शन में है भी या नहीं। मान लेते हैं अगर मंथली चार्ट पे शेयर बुलिश है, वीकली चार्ट पे भी वो बुलिश है और डेली चार्ट पे भी वो बुलिश है, तो आपके लिए उस शेयर को बाय करने का जो आइडिया है वो ज्यादा ठीक रहेगा। और अगर आपने 15 मिनट या आधे घंटे का चार्ट देखकर ये डिसीजन ले लिया कि उस शेयर में आपको सेलिंग बनानी चाहिए तो याद रखिए वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे टारगेट नहीं दे सकता है। और आप देखेंगे कि अगर किसी शेयर में जो वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और डेली चार्ट पे अगर वो बुलिश है और अगर आप अपना डिसीजन ये देखकर बाय साइड में लेते हैं तो आपको एक अच्छे टारगेट उस शेयर से मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है जब भी एक ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो वो 15 मिनट के चार्ट पर देखकर डिसीजन ले लेता है। तो आपको ये जानकारी हम देना चाहते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर आपको बहुत बारी तो टारगेट मिल जाते हैं, बट बहुत बड़े टारगेट के लिए आपको डेली, मंथली या वीकली चार्ट को देखना होता है। तो अगर हम बड़े टारगेट निकालना चाहते हैं इंट्राडे में तो हम लोगों को एक क्लियर ट्रेंड पे डिपेंडेंट होना चाहिए और क्लियर ट्रेंड पकड़कर हम मार्केट से बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो क्लियर ट्रेंड के लिए जैसा कि हमने आपको बताया, आपको मंथली, वीकली और डेली चार्ट तीनों के ट्रेंड को एनालाइज करना है और फिर देखना है कि आपकी पोजीशंस बाय साइड में या सेल साइड में किस साइड में होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज हमें देखनी चाहिए शेयर का सिलेक्शन करते वक्त, मूविंग एवरेज। दोस्तों मूविंग एवरेज हमें एक डायरेक्शन देने की कोशिश करती है उस शेयर के बारे में कि अगले दिन वो शेयर कहां जा सकता है और हमारा जो ट्रेंड है वो किस तरफ का हो सकता है। तो 30 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज या 20 दिन की मूविंग एवरेज ये आपको बताने का काम करती है। तो आपको इंट्राडे के लिए डायरेक्शन आपकी मूविंग एवरेज देती है, यानी कि अगर हम बात करें 20 दिन की या 30 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे अगर एक स्टॉक क्लोज होता है तो हमें समझना चाहिए कि यह स्टॉक आज के लिए बियरिश होगा, और जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएगा 20 दिन की या 30 दिन की, तब तक इसमें बाइंग नहीं आएगी।
तो अगर हम लोग अपना डिसीजन लेना चाहते हैं बाइंग की या सेलिंग की तरफ, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो स्टॉक है अगर 20 या 30 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो हमें उसे सेल नहीं करना चाहिए, और अगर 20 या 30 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक चल रहा है तो हमें उसे बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्शन इस बात को निर्धारित करते हैं कि स्टॉक का प्राइस कहां जाने वाला है आज के दिन में। ये हमें पता चलता है 20 दिन और 30 दिन की मूविंग एवरेज को देखकर। दोस्तों मान लेते हैं अगर 20 दिन 30 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक चल रहा है तो ये और एक अच्छा हम लोगों को डायरेक्शन देने का काम करता है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत समय बहुत बारीक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं जब हम देखते हैं कि कोई स्टॉक 20, 30 और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है और हम उसमें बाय कॉल लेते हैं। और हमने देखा है कि 20, 30 या 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वहां पे आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, तो हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम हमारे जो ट्रेड होते हैं वो सक्सेसफुल ट्रेड होते हैं, क्योंकि इंट्राडे में जब हम ट्रेंड निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को 20, 30 दिन की जो मूविंग एवरेज होती है ये बहुत हेल्प करती है और हमें क्लियर डायरेक्शन देने का काम करती है। तो ये डायरेक्शन को समझकर हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जब हम ट्रेड करते हैं तो हम लोग केवल टेक्निकल चार्ट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखकर मैक्सिमम टाइम अपनी पोजीशंस लेते हैं, बट दोस्तों ट्रेडिंग करना एक कला होती है, जिस कला में आप तब माहिर हो सकते हैं जब किसी भी शेयर के जो प्राइस हैं वो आप दिमाग में रखकर काम करें। जैसे कि दोस्तों आपकी मेमोरी जितनी शार्प होगी आप उतना ही पैसा इस मार्केट से भी बना पाएंगे, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों क्या जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि मार्केट का कल के दिन जिस शेयर में आप काम कर रहे हैं उसने हाई क्या मारा था और कल का लो क्या था। जब हम एक नई पोजिशन लेते हैं तो अक्सर इन चीजों को भूल जाते हैं और टेक्निकल चार्ट पे पूरी तरह से फोकस कर लेते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ट्रेंड लाइन वहां पे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी हम लोग अपनी पोजीशन लेते हैं। मैक्सिमम समय हम देखते हैं कि ट्रेडर इस तरह से ही बिहेव करता है। बट दोस्तों क्या आपने सोचा है कि येस्टरडे हाई और लो आपको एक क्लियर डायरेक्शन देने का काम करते हैं। अगर आप ये याद रख पाए कि आपके शेयर ने कल क्या हाई मारा था, क्या लो लगाया था, केवल ये चीज जानकर भी आप मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो जिस शेयर में आज आप पोजीशन ले रहे हैं इंट्राडे के लिए, अगर वो कल के हाई को ब्रेक कर देता है तो एक बुलिश डायरेक्शन वो आपको देने का काम कर रहा है। और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि एक शेयर जो कल के यानी कि अपने यस्टरडे हाई को ब्रेक करता है वो आज के दिन नया हाई लगाएगा और वहां पे एक क्लियर डायरेक्शन बाय साइड पे आपको देने का काम करेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई स्टॉक कल के जो डे लो को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद ये भी आपको एक डाउन साइड का क्लियर डायरेक्शन देने का काम करता है। तो अगर हम ये ध्यान में रख के काम करें कि मार्केट में कल जिस शेयर में हम काम कर रहे हैं उसका हाई क्या था, लो क्या था, तो ये भी हमें डायरेक्शन देने का काम करता है। एक और चीज दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आप देखेंगे जब भी मार्केट में ओपन और हाई या ओपन और लो दोनों सेम होता है तो ये भी हमें मार्केट में उस दिन का डायरेक्शन देने का इंट्राडे के लिए काम करते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम आप ये नोटिस करेंगे कि एक शेयर जहां खुला वहीं पर उसने अपना हाई भी लगाया, तो ये इस बात को डायरेक्ट करने की कोशिश करता है कि आज जब तक उस शेयर का हाई ब्रेक नहीं होगा उसमें एक अप ट्रेंड नहीं आएगा। तो दोस्तों जब जब आप ये सिचुएशन देखते हैं जहां पे ओपन और हाई उस स्टॉक का सेम है तो आप उसमें सेल पोजीशन ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए जैसे ही हाई ब्रेक होगा ट्रेंड भी कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब आपके पास कोई भी ऐसा ट्रेड होता है जहां पे ओपन और हाई के पास मार्केट खुलता है तो वहां पे आपको निश्चित रूप से अपना ट्रेड लेना चाहिए और स्टॉप लॉस भी डिफाइंड होता है ऐसी कंडीशंस में कि हम हाई का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं जो हमें दिन का डायरेक्शन देने का काम करता है। अब इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि ओपन और लो अगर किसी शेयर का सेम है तो ये मार्केट में
एक बुलिश ट्रेंड देने का काम कर रहा है, यानी कि इस स्टॉक में हमें आज का डायरेक्शन मिल चुका है। अगर हम डे लो का, यानी कि जो ओपन हुआ है और लो है, दोनों सेम है, तो इस लो को हम लोग स्टॉप लॉस बना के बाय पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक हमें आज डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है कि आज इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पे रहने वाला है। तो दोस्तों सम अप करते हैं इस वीडियो को। आज हमने जानकारी दी कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सी बातों को ध्यान में रखकर आप इस मार्केट से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और किन लोगों को इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, या इस मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। थैंक यू।